प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम कादंबरी, बाणभट्ट द्वारा रचित कादंबरी के अंतर्गत विंध्याटवी वर्णनम का अध्ययन करेंगे। अस्ति पूर्वापर जल निधि वेला वन लग्ना मध्य देशालंकार भूता मेखलेव भुवः वन करिकुल मदजल सेक संवर्धितई रति विकच धवल कुसुम निकर मत्युच्चतया तारागणमेव शिखर देश लग्न मुद्वहद्भिः पादपैरुपशोभिता मदकल कुरर कुल दश्यमान मरिच पल्लवा करिकलभ कर मृदित तमाल किसलया मोदिनी मधु मदोप्रक्त केरली कपोल कोमल छविना संचरद वन देवता चरणालक्तक रस रंजिते नेव पल्लव चयन संचादिता। इस गद्य खंड के सभी प्रथमांत पद आगे आने वाले विंध्याटवी नाम के विशेषण है, यानी विंध्याटवी एक वन प्रदेश है, एक अरण्य है प्रसिद्ध, उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। एक प्रसिद्ध विंध्याटवी या विद्या अरण्य है जो कि पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के तट के वनों से लगी हुई, अर्थात पूर्व समुद्र तट से पश्चिम समुद्र तट तक विस्तृत है, जिसका विस्तार है। ऐसी पृथ्वी की करधनी के समान मध्य प्रदेश की आभूषण स्वरूपा यह विंध्याटवी उन वृक्षों से सुशोभित है जो जंगली हाथों के मद जल के सिंचने से बढ़ाए गए अत्यधिक ऊंचे होने के कारण मानो अपनी ऊपरी भाग पर लगे हुए अत्यधिक खिले हुए उज्जवल पुष्प समूह को तारा समूह के समान धारण किए हुए थे। यह विंध्याटवी मदवश मधुर अव्यक्त ध्वनि करने वाले कुरर नामक पक्षियों द्वारा कुतरे गए काली मिर्च के पल्लवों वाली, अर्थात विंध्याटवी के काली मिर्च के पत्तों को कुरर नामक पक्षियों ने मानो कुतर डाला था, ऐसी यह विंध्याटवी गज शावकों के सूंडों से मसले गए तमाल वृक्षों के पत्तों की सुगंधि से सुगंधित थी, तथा यह मदिरा पान की महत्ता से कुछ कुछ गुलाबी रंग के केरल प्रदेश की सुंदरियों के कपोलों जैसे कोमल कांति वाले और इधर उधर चलती फिरती वन देवियों के चरणों में लगे महावर के रंग से लाल जैसे पल्लव समूह से ढकी हुई थी। तो इस गद्य खंड में विंध्याटवी यानी विंध्याचल के वन का वर्णन किया गया है। इस गद्य खंड की अस्थि क्रिया का कर्ता विंध्याटवी है, जिसका इस संपूर्ण गद्य खंड के अंत में प्रयोग किया गया है। यह विंध्याटवी अर्थात पूर्व समुद्र के किनारे से लेकर पश्चिम समुद्र के तट तक फैली हुई थी। पृथ्वी की करधनी के समान मध्य भाग का आभूषण होने के कारण यह मध्य देश की अलंकार स्वरूप थी। यह उन वृक्षों से सुशोभित थी जो कि अत्यंत ऊंचे होने के कारण अपने ऊपरी भाग से लगे हुए तारा समूह जैसे अत्यधिक विकसित हुए उज्ज्वल पुष्प समूह को धारण किए हुए एवं अन्य वन्य गजों के मदजल के सिंचन से बड़े हुए थे। विंध्याटवी के काली मिर्च के पत्तों को मद के कारण कल ध्वनि करने वाले कुरर नामक पक्षियों ने मानो कुतर डाला था। यह अटवी हाथियों के बच्चों के सूंडों से मसले गए तमाल वृक्षों के किसलयों की सुगंधि से सुगंधित थी। यह उस पल्लव समूह से आच्छादित थी जो कि मदिरा पान से कुछ कुछ गुलाबी रंग के केरल सुंदरियों के कपोलों जैसे कोमल कांति वाले तथा घूमती हुई वन देवियों के चरणों के महावर के रंग से रंगे हुए थे। यहाँ पर पूर्ण इस गद्यांश में बाणभट्ट ने उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, और साथ ही जो प्रकृति वर्णन है वो बहुत ही स्वाभाविक और सरस है। जो पदावली है वो सामासिक पदावली है, इसके अंतर्गत समास युक्त शब्द जो कि बाणभट्ट की एक विशेषता रही है वो इसमें प्रकट हो रही है, और साथ में जो एक पद्य का लयात्मकता है वो भी इस गद्यांश में देखने को मिलता है।